जनपद संभल के भेजोई जिला मुख्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बलिया में पत्रकारों पर हुई कार्यवाही के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी संजीव रंजन को सौंपा। बुधवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी भेजोई जिला मुख्यालय पर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां बलिया में पत्रकारों पर हुई कार्यवाही के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम संजीव रंजन को सौंपा। एसोसिएशन के सदस्य द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसमें गलत तरीके से कुछ पत्रकारों को फंसाया गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश पाल सिंह राघव, सुनील कश्यप, शिव कुमार कुशवाहा, अवनीश शर्मा, वीरपाल सिंह, विनय राघव, सरफराज अंसारी, महेंद्र यादव, हिमांशु शर्मा, अंकुर गोयल, तुमुल विजय तूफानी, शाहिद सैफी, आलोक कुमार शर्मा, त्रिभुवन आदि पत्रकार मौजूद रहे। आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संभल की तरफ से कि जो बलिया में पत्रकारों पर जो मुकदमा लिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है और इसमें पत्रकारों में काफ़ी रोष। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, जब चौथे स्तंभ के साथ शासन प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर पत्रकारिता कैसे कर पाएगा और फिर निष्पक्ष पत्रकारिता भी नहीं कर पाएगी। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो पत्रकार पर मुकदमा लिखा है उनका वापस हो और उसकी सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ज्ञापन क्या मांग रहा है? मेरा कहना ये है कि अगर पत्रकारों के ऊपर ही अगर ऐसी कार्रवाई होगी, प्रदेश सरकार अगर ऐसी कार्रवाई करेगा या कोई डीएम ऐसी कार्रवाई करेगा कि जो पत्रकार चौथा स्तंभ कहलाता है उसके ऊपर ही कार्रवाई करेगा, फिर क्या है विपक्ष या पत्रकार क्या है, कौन पत्रकारिता करेगा? पत्रकार से पूछा गया कि आपने जो वायरल कराया पेपर वो मेरे लिए भेजो, डीएम को भेज दिया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी डीएम को और डीएम साहब ने उस पर ही मुकदमा कर दिया, तो ऐसे पत्रकारिता कौन कर पाएगा? क्या ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से आज आपने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? अगर इस तरीके से होगा कि जो इन्फॉर्मर है उसी को के खिलाफ अगर कार्यवाही होनी चालू हो जाएगी तो शासन कहाँ खड़ा होगा, ये देखने की बात है। इस तरीके से शासन की भी विश्वसनीयता पर अंतर आ रहा है कि शासन के लिए कौन आदमी इन्फॉर्मेशन देगा और जब पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही होगी तो आम आदमी की स्थिति क्या है? और शासन जो है, शासन पत्रकारों के इन्फॉर्मेशन पर या जनता की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही चलता है, बिना उसके तो शासन का चलना भी जो है वो संभव नहीं है और ना उसे सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी इस तरीके से।